हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, एक होम्योपैथी फिजिशियन, और आज मैं आपके लाई हूँ कॉन्स्टिलेप्सिस नाम का सिरप, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तो बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, ये कौन कौन से होम्योपैथी मेडिसिन के कंपोजिशन से तैयार किया जाता है, कौन से बीमारी में हम इसको ले सकते हैं और क्या इसके डोजेस होती हैं, तो इसके बारे में आज मैं बताऊँगी। यदि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन के कंपोजिशन से इसको तैयार किया जाता है। सीना, टर्मिलिया, रिशिनस, मैग्नीशिया, सल्फ्यूरिया, इन सारी मेडिसिन के कंपोजिशन से इसको तैयार किया जाता है। ये सारी मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है होम्योपैथिक में। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभकारी होता है। सोच में आने वाली समस्या, यानी कि जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं उसमें होने वाली दिक्कत, या फ्रेश ठीक से ना होना, पोटी ठीक से ना आना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना या हार्ड मोशन आना, पेट फूलना, कब्ज होना, पुराना कब्ज हो या नया कब्ज हो, पेट फूलना और मल त्याग करने में कठिनाई होना, इन सब के लिए ये बहुत लाभकारी माना जाता है। तो इसको लेना कैसे है, अब बात करते हैं इसकी डोजेस की। इसके 2 चम्मच सुबह शाम दोपहर लेना है, और अगर बच्चे हैं तो उनको 1 चम्मच सुबह शाम देना है पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले। आप इसको घर में डेली यूज़ के लिए या किसी प्रॉब्लम के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। धन्यवाद।